फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद MBS क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं अशोक कुमार MBS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और रेगुलर से आप अपनी तैयारी को बना रहे हो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखे हैं, आप उन पर भी आप मुझे कुछ अपना सुझाव है या आपकी तरफ से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपके लिए हर रोज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ और आप लोगों का प्यार भी हमारे लिए बना रहता है। इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिए और चैनल को ग्रोथ होने में अपनी हेल्प कीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता जो है वो किस किस चीज़ से हम बदल सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ये होता है सी बराबर एप्साइलन नोट एप्साइलन आर ए बटा में क्या होगा डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है संधारित्र का। इसके अंदर आपको वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रही है, इन दोनों वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक ही वैल्यू, जो कि लिखते हैं एप्साइलन, ठीक है, जिसको लिखते हैं परमिटिविटी, ठीक है, ये हमारी होती है परमिटिविटी, विद्युतशीलता बोलते हैं परमिटिविटी को। ये हमारा है एरिया और ये है डी यानी कि दूरी। तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, सही बात है। तो अगर एरिया बढ़ाएंगे हम, प्लेट का एरिया अगर बढ़ाएंगे तो ये धारिता भी बढ़ जाती है, ठीक है, पहला बात तो सही है। दूसरी बात क्या है, प्लेटों के बीच दूरी में कमी के साथ बढ़ती है। दो हमारे पास ये प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है डी है। अब क्या बोल रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी की कमी यानी कि मैं डी को अगर कम कर रहा हूँ तो धारिता तो बढ़ेगी क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बात भी सही है। प्लेटों को पृथक करने वाला माध्यम के प्रावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा एप्सिलॉन नोट है अगर इनकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही बैठता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कैपेसिटर वाला जो हमारे पास चैप्टर है उसके अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और यहाँ पर आपके लिए कॉमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बनता है, उसका आपको जवाब देना है। जो हमारा ई नोट है, ठीक है, जिसे परम विद्युतशीलता बोलते हैं हम ई नोट को, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, यानी कि प्योर इंडक्टर है उसका पावर फैक्टर पूछा गया है। प्योर इंडक्टर की बात करें तो हमारे पास आपको पता होता है ये वोल्टेज होगी और करंट हमारे पास क्या होता है, ये करंट होता है। ये केस किस में बन रहा है, ये केस बन रहा है हमारा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो केस क्या बनेगा, ये वोल्टेज है तो करंट हमारा पीछे चलता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये बात बनती है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो ये मैंने बताया कैपेसिटर का, ये होता है इंडक्टर का। तो इसमें 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या रखेंगे, अगर कोस फाई हमारा फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, तो यहाँ पर फाई की जगह अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री रख रहा हूँ कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे क्वेश्चन की, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते जाओगे, ठीक है। मेरा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी तो पढ़ भी रहे हो साथ साथ में, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है आपके लिए। थ्योरी तो आप पढ़ सकते हो, थ्योरी को आपको पता है, थ्योरी के अंदर ये बातें होती है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये आपको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र होगा, क्षेत्र पूछा गया है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इससे इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
ये हमारा क्या है, परावैद्युत हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन आर। अगर हमें ये अगर इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसकी बात हो रही है परावैद्युत की, ठीक है, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सी है और एप्सिलॉन आर का क्या संबंध रहेगा, एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन आर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि धारिता भी इंक्रीज हो रही है, और अगर धारिता इंक्रीज होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर क्यू बटा सी। अगर ये इंक्रीज होगी तो वोल्टेज हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। अब वोल्टेज हमारी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो आपका जो क्षेत्र क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर वी बटा क्या होता है, डी, ये हमारा होता है क्षेत्र फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा कम हो रही है, सॉरी वोल्टेज कम होगी तो हमारी जो ई है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक एक संबंध आपको बता दिया किस तरह से संबंध बन रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, हमारी जो क्षेत्र क्षमता है वो घटती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, घट रही है, ये आपको याद रखना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छा है और बच्चों को पता भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनके अंदर सेंड किया था, बहुत से बच्चों ने इनका जवाब दिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि सी धारिता वाले किसी संधारित्र का आवेश क्यू है तो संधारित्र की ऊर्जा होगी, यानी कि स्टोर जो ऊर्जा हो रही है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आप सभी को पता है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, हाफ सी गुना में, अब वी हमारा है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है क्यू बटा में सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वी का। तो मैंने क्या किया, वी की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू मतलब क्यू का स्क्वेयर और हमारे पास क्या बनेगा, सी का स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि वी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर स्क्वेयर है, तो ये सी से एक सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, क्या बचेगा, हाफ क्यू का स्क्वेयर बटा में क्या बनेगा, सी, ये फॉर्मूला हमारा सही बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है आपको, हाफ क्यू स्क्वेयर बटा में टू सी, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ये, तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तीन फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए, अगर हमारा थ्री फेज जो सिस्टम है उस परिपथ के लिए क्या पूछा गया है, जस्ट वेट, तो इसमें क्या पूछा गया है, थ्री फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए। अब थ्री फेज स्टार के अंदर बातें हो रही है, स्टार के अंदर आपका क्या संबंध होता है, अगर हम स्टार की बात करें, स्टार में हमारे पास क्या होगा, आई एल बराबर आई पी एच, ठीक है, जो लाइन करंट है बराबर होता है फेज करंट के, और जो हमारी लाइन वोल्टेज होगी वो क्या होती है, रूट थ्री वी पी एच, ठीक है, ये होता है स्टार के अंदर, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, लाइन वोल्टेज बराबर में फेज वोल्टेज, ये बात तो नहीं है, पहला ऑप्शन कट, लाइन करंट बराबर फेज करंट, ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है स्टार के लिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए स्टार का और डेल्टा के लिए ये बातें पूछते रहते हैं बार बार, तो आपको पता होना चाहिए। डेल्टा के लिए मैं और बता देता हूँ आपको, डेल्टा के लिए क्या होता है हमारे पास, वी एल बराबर क्या होगा, वी पी एच, और आई एल बराबर क्या होता है, रूट थ्री हमारा होता है रूट थ्री आई पी एच, ठीक है, ये होता है डेल्टा के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत से बच्चों को डाउट है तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा ट्रिक के लिए। डेल्टा हम क्या बनाते हैं, डेल्टा आपको पता है इस तरह से आपको डेल्टा दिखाई देगा, ठीक है, ये डेल्टा बन गया। अब डेल्टा आपने बनाया तो क्या बनाया, आपने सबसे पहले वी बनाया है, तो याद क्या रखोगे, डेल्टा के अंदर बस आपकी वोल्टेज बराबर होती है दोनों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है, उच्चतम धारिता का मान कब हमारे पास उपलब्ध कर सकता है, जब हमारी जो इसके अंदर परावैद्युत जो इसके अंदर शक्ति होती है वो ज़्यादा हो जाए तब, ठीक है, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन आर है इनकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या है, उसकी धारिता भी ज़्यादा हो जाती है।
अब इसके अंदर क्या होगा, धारिता का मान कब ज़्यादा होगा, कौन से के अंदर ज़्यादा होगा, सेरेमिक के अंदर क्या है, धारिता का मान ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर माइका नहीं होगा, इसके अंदर सेरेमिक होगा। बहुत से बच्चों को डाउट होगा, माइका भी दे रखा है कुछ बुक के अंदर, तो आप इसका सेरेमिक राइट आंसर करोगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, चार इस तरह से कैपेसिटर जोड़ रखे हैं हमने सीरीज में, ठीक है। तो कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल का फंडा आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास ये दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को हमने जोड़ रखा है सीरीज के अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेता हूँ दो, इसकी वैल्यू भी दो है। तो सीरीज में क्या करेंगे हम, जैसे प्रतिरोध को पैरेलल में करते हैं उसी तरह से कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक बटा दो प्लस में एक बटा दो, इस तरह से हम सोल्व करेंगे सीरीज के अंदर, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर है और दोनों की वैल्यू दो ओम, दो माइक्रोफेराड इसकी है, दो माइक्रोफेराड इसकी मान रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों पैरेलल में है तो किस तरह से जोड़ेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे, दो और दो चार, इसका राइट आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कैपेसिटर को किसी तरह से हम हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको चार कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, चारों की वैल्यू क्या है, चार 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 ओम दे रखा है, ठीक है, और सीरीज के अंदर है। तो मैंने क्या बताया था, सीरीज के अंदर किस तरह से करेंगे, प्रतिरोध को जो पैरेलल में करते हैं उसी टाइप में हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास चार कैपेसिटर, चारों की वैल्यू सेम है, जिसकी वैल्यू दे रखी है चार माइक्रोफेराड, बटा में कितने कैपेसिटर है चार, इसको कैंसिल करेंगे कितना वैल्यू मिलेगी हमें, एक माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। इस टाइप में हम बहुत से क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो पाँच माइक्रोफेराड के संधारित्र समानांतर क्रम में हैं, यानी कि हमारे पास एक तो ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये कैपेसिटर है, ये पाँच का है, ये भी पाँच का है, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ दिया मैंने। फिर इनके एक साथ 10 माइक्रोफेराड का एक संधारित्र श्रृंखला में है, यानी कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कितना है, 10 माइक्रोफेराड का है, जो कि किस में है, श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में जोड़ दिया। अब इनकी वैल्यू की बात करें तो पाँच ये है, पाँच ये है, टोटल कितना बनेगा, इसका बन जाएगा 10, ठीक है, और 10 ये हमारे पास सीरीज में बन रहे हैं। तो सीरीज में किस तरह से करेंगे, पैरेलल की तरह, तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों की सेम वैल्यू है तो हम डायरेक्ट आधा कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, चार संधारित्रों की कुल संधारिता 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड श्रेणीबद्ध रूप में संयोजित है, ठीक है, इनका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। अब सभी को क्या जोड़ रखा है, इस तरह से हमने श्रेणी में जोड़ रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो हमने क्या किया, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4, ठीक है। टोटल हमारा जो एलसीएम बन रहा है कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 12, एलसीएम 12 ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास तो 1 है, यहाँ पर 12 बन जाता है, 2 6 हमारे पास 6 ये बन जाएगा, आगे क्या है 4 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। कितना बन गया टोटल, इसको जोड़ेंगे हम 10 और हमारे पास कितना हो गया, 20, 2 22 और 3 25, ठीक है, 25/ क्या बन रहा है, 12 इसका ऑन ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पैरेलल की तरह इनको जोड़ दिया हमने, ये बना 1/C, ठीक है। अब हमें सी निकालना है, सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 12/25 करेंगे, ठीक है, जो कि इसके अंदर आपको एक ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि पॉइंटों में है, इसका आंसर जो उत्तर है वो पॉइंटों के अंदर निकलने वाला है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है, सीरीज रिएक्टर की बात करें, रिएक्टर जो यूज़ करते हैं पावर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, सीरीज रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलेगा, अल यानी कि इंडक्टर, इंडक्टर को जो हमने क्या किया, इंडक्टर को हमने सीरीज में जोड़ रखा है, ठीक है, जो अल है हमारे पास, जो हमारी कुंडली है, वो हमने लोड के साथ सीरीज के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये हमारा लोड है और यहाँ पर लोड के साथ क्या है हमने, ये सीरीज में जोड़ दिया अल, ठीक है। तो ये किस तरह काम करेगा, ये एज ए रिएक्टर की तरह काम कर रहा है। रिएक्टर का काम क्या होता है, रिएक्टर का काम यही होता है कि शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा, जो शॉर्ट
सर्किट धारा जो होती है, शॉर्ट सर्किट धारा होती है, उसको लिमिट करने के लिए, ठीक है, उसको लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं रिएक्टर को हम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट को हमें लिमिट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, I बराबर V बटा Z, ठीक है, Z यानी कि जो हमारी प्रतिबाधा होती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, अब इसके अंदर फॉर्मूला हम आपको पता चल गया, I बराबर V बटा Z, ठीक है। अब जो प्रतिबाधा है, जो हमारे पास रिएक्टेंस है, उसको कम करना है हमें, ठीक है। रिएक्टेंस को कम करें तो क्या करेंगे हम, इस जेड को, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारी कर धारा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी। अगर जेड की वैल्यू हमारी क्या ज़्यादा होगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, उच्च प्रतिबाधा चाहिए करंट को कम करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया रिएक्टर का काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उसको कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिबाधा ज़्यादा चाहिए, तभी हम क्या है करंट को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परस्पर संबंध तंत्र के स्थायी प्रचालन के लिए परस्पर संबंधक तत्व के रूप में प्रयोग में लाया जा सकने वाला निष्क्रिय तत्व है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, स्थायी प्रचालन यानी कि स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं हम, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो हमारी सप्लाई जो है, सप्लाई का एकदम सही से प्रचालन हो सके, स्थायी प्रचालन हो सके, यानी कि जो हमारी सप्लाई है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा ना बने, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्थायी प्रचालन बन सके उसके अंदर। तो वो काम कौन करता है, वो काम सिर्फ कैपेसिटर ही करेगा, ठीक है, कैपेसिटर तो करेगा, लेकिन कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे, ये बातें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो कैपेसिटर को हम किस में जोड़ते हैं, कैपेसिटर को अगर हम मान लीजिए कैपेसिटर है हमारा ये, और ये है हमारा लोड है कोई, ठीक है, तो लोड के साथ अगर कैपेसिटर हमने जोड़ दिया सीरीज में तो किस तरह काम करेगा, तो ये जो स्थायी प्रचालन का काम करेगा। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने कैपेसिटर को मैं जोड़ देता हूँ पैरेलल के अंदर, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर लोड है, तो मैंने कैपेसिटर को अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो ये काम किस में करेगा, ये काम करेगा पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 माइक्रोफेराड का ये है, 2 माइक्रो का ये है, 3 माइक्रोफेराड का 3 संधारित्रों को आकृति में दिखाए गए हैं, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे दोनों सीरीज में हैं तो जोड़ेंगे पैरेलल की तरह, प्रतिरोध की तरह, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा, इनका हम सॉल्यूशन करें तो क्या बनेगा, 2 गुना में 3, 2 प्लस में 3, ठीक है, 3 2 6 और 3 2 5, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो 5 1 5 हमारे पास और 5 2 10, ठीक है, तो इसका बन गया 1.2, ठीक है, ये बन गया 1.2, यहाँ पर आगे आपको 1 दे रखा है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 1 और 1 2, तो 2.2 इसका राइट आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, इसमें जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। ऑप्शन सी भी आपको दे रखा है, 2.2 फेराड दे रखा है सिर्फ, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ माइक्रोफेराड में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि चित्र में दिखाई गई परिपथ में संधारित्र C1 का आवेश यानी कि चार्ज बताना आपको C1 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम सिंपल करते हैं, हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये क्या है हमारे पास C1 है कैपेसिटर जो कि 3 फेराड का है, और मैंने इन दोनों को हल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये पैरेलल के अंदर है, जोड़ेंगे सीरीज की तरह रजिस्टर में, और यहाँ पर इन दोनों का क्या बनेगा 6 और 3 9, ठीक है, ये बन जाता है 9 फेराड का। टोटल वोल्टेज कितनी है आपकी, टोटल वोल्टेज है 4 वोल्टेज, और टोटल वोल्टेज है हमारी। अब क्या करेंगे हम, C1 के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज देख लेंगे, C2 के अंदर वोल्टेज देखते हैं कितनी वोल्टेज बन रही है, तो हमें निकालना है C1 के अंदर वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये हमारी V1 है, ये है V2, तो V1 हमें निकालना है तो किस तरह से करेंगे, टोटल वोल्टेज गुना में जो हमारा अपोजिट में संधारित्र है उसकी वैल्यू, बटा में हमारे पास
टोटल जो 9 और 3 कितने हो गए 12, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पर आपके पास जो V1 है वो कितनी मिल गई है, 3 वोल्टेज V1 मिल जाती है, ठीक है। और जो 9 फेराड वाला है उसके अंदर आपको कितनी बचेगी, 1 वोल्टेज ही वोल्टेज बच जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है आवेश की। आवेश यानी कि क्या है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर सी वी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आवेश का। यहाँ पर बोला क्या गया है कि आपके आवेश की बात करें तो क्यू और आवेश का संबंध, वोल्टेज का संबंध क्या होता है हमारा, बराबर का होगा। तो C1 जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर आवेश ज़्यादा होगा, और C2 जो और C3 है इसके अंदर आवेश क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, C3 पर आवेश चार्ज से अधिक होगा, ठीक है। C3 पर जो आवेश बनेगा, C3 कौन सा है, इस पर जो आवेश बनेगा, इस पर आवेश चार्ज से अधिक बनेगा। इसका थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, इसका ऑप्शन हम सही करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन यही बनेगा कि C1 आवेश C3 से, ठीक है, C3 से बात कर रखी है हमने, C3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही बन रहा है, यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया क्या बन रहा है, C1 आवेश C3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया अभी पूरा सॉल्यूशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 4 कैपेसिटरों जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 माइक्रोफेराड है को समानांतर में जोड़ रखा है, तो ये तो आपको पता ही है, 4 कैपेसिटर है समानांतर में जोड़ा हुआ है, तो 80 गुना में 4, 8 4 कितने हो गए 32, यानी कि 320 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिपथ प्रदर्शित परिपथ P और Q के बीच समतुल्य धारिता आपको निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 माइक्रोफेराड का दे रखा है, ये जोड़ रखे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमें बीच में शॉर्ट कर रखा है इसको, ठीक है। तो 3 और 3 यानी कि ये दोनों क्या है, सीरीज के अंदर है दोनों, तो सीरीज के अंदर है तो इनका क्या है, 3 का हम कर देते हैं हाफ, यानी कि क्या बन जाएगा, 1.5 इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 फेराड यानी कि सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा वी, क्यू का इकाई क्या होती है, क्यू की इकाई होती है कूलाम, ठीक है, और बटा में वोल्ट, कूलाम बटा वोल्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कूलाम बटा में वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी लेवल के भी क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन, 2 फेराड और 3 फेराड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। हमने क्या किया, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, 2 का है ये, 3 का है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। उसके बाद समानांतर क्रम में आपको जोड़ रखा है एक और 1 माइक्रोफेराड का, तो परिमाणित धारिता आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया था सेम। इसमें क्या है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू हमारी बन जाती है 3, 2, 6, 3, 2, 5, ठीक है, इसकी वैल्यू ये बनेगी। अब हम जोड़ेंगे 6/5 प्लस में 1, क्योंकि ये क्या है, 1 और ये 6, इनका हल कितना बन रहा है, 6/5, ये दोनों क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो 5 और 6, 11/6 क्या बन जाएंगे, 6 इसका राइट आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समानांतर क्रम में संयोजित 3, 4 और 5 माइक्रोफेराड के समानांतर क्रम में जोड़ रखा है, तो समानांतर क्रम में तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 5 और 4, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही है सारी। प्रत्येक सी माइक्रोफेराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में हैं, वही बात समानांतर क्रम में जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सी माइक्रोफेराड, तो 2C इसकी राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर परिपथ में किसको सम्मिलित करने से उन्नत यानी कि बढ़िया कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम संधारित्र को पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी इकाई क्या मानी जाती है, KVAR में हम इकाई लेते हैं पावर फैक्टर की, और जो 0.9 से अगर कम हो जाए पावर फैक्टर, तो जो गवर्नमेंट है वो उस पर
टैक्स लगा सकती है, यानी कि पेनल्टी वगैरह लगा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल से, एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप हमें पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। धन्यवाद।